हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज रॉयल इनफील्ड की एक नई बाइक लॉन्च हो रही है, आज मैं उसका आपको रिव्यू दिखाता हूँ, तो वीडियो में आप बने। घर से जस्ट निकला ही था कि बहुत तेज बारिश हो गई है। अब ये देखिए, तो मैं जस्ट अभी थोड़ा यहाँ वेट कर रहा हूँ, 5-10 मिनट में बारिश जैसे रुकेगी तब मैं फिर आगे जाऊँगा। ये बुलेट जो हमारी मॉडल है, ये ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल में है और ये सिंस 1932 से प्रोडक्शन में कंटिन्यू कर रही है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखा कि हर एक रीजन और हर एक कैटेगरी जो हर एक ट्रेडिशन के अलग अलग लोग जो है बुलेट को प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ इसका जो है हमारा एक बहुत ज्यादा अच्छा एसोसिएशन रहा है हमारे मिलिट्री और आर्म फोर्सेस के साथ में, और एक ये अनचेंज कैरेक्टर है जो कि काफी लंबे समय से कंटिन्यूटी में चलता आ रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ एक हिस्ट्री इसके साथ शेयर करना चाहूंगा, हमारा जो ओरिजिन हुआ था हमारे बुलेट का वो कैसे शुरू हुआ था, उसके लिए भी आज हमारा एक शॉर्ट वीडियो है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज रॉयल इनफील्ड की तरफ से एक नया बुलेट लॉन्च हुआ है 350, और मेरे साथ हैं प्रशांत जी जो इसके बारे में बताएंगे कि अभी क्या फीचर है और ये क्यों एक नया एडवेंचर और नया जनरेशन के लिए एक न्यू बाइक होने वाले। प्रशांत जी थोड़ा बताइए आज के बारे में। बेसिकली आपको बता दूं मैं कि बुलेट जो सेगमेंट है, ये न्यू बुलेट 350 आई है, इसमें आपको 3 अलग अलग वेरियंट आपको मिल जाते हैं और 5 कलर ऑप्शंस के साथ। पहला जो आपको बेस वेरिएंट है उसमें 2 कलर ऑप्शंस मिल जाता है जो कि आपका मिलिट्री ब्लैक एंड मिलिट्री रेड। सेकंड ऑप्शंस में जो आपको मिलता है सेकंड टॉप वेरिएंट में आपका वो है आपका जो कि आप देख पा रहे हैं ये स्टैंडर्ड ब्लैक और स्टैंडर्ड मरून, ठीक है, ये 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये हमारा जो कि है टॉप मॉडल, इसमें आपको मिलता है ब्लैक फिनिश के साथ, ये है आपका ब्लैक गोल्ड, मैट फिनिश के साथ आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। बात करें टॉप मॉडल में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है तो वो चीज़ें वो ऐसा आपको मैं इधर दिखाना चाहूँगा। ये आपका रोटरी स्विच की उसके साथ में आता है, आर्गोनॉमिक क्लस्टर के साथ साथ डिजिटल LED मीटर्स मिल जाते हैं आपको, जिसमें आपको फ्यूज वगैरह का फंक्शनैलिटी आपको मिल जाएगा।
गियर फंक्शन आपको और टाइम, साथ ही साथ आपको इसमें ट्रिप का भी फंक्शन मिल जाएगा, आपको चल रहा है। इसके अलावा ये डुअल डाउन ट्यूब चेसी फ्रेम का आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एक्स्ट्रा कंफर्ट और स्टेबिलिटी देता है बाइक को। साथ ही साथ डुअल चैनल ABS है दोनों ही में। इसके अलावा एक नया इसमें मैट फिनिश का लुक मिल जाता है फुल बॉडी टोन में। इसके साथ एक कंफर्ट सिटिंग का फील मिल जाएगा इसमें आपको ब्लैक साइलेंसर, और इसमें जो है आपका डिस्प्ले भी। थोड़ा बताएंगे कि इसमें क्या क्या जो पुरानी बुलेट थी और अभी में क्या क्या चेंजेस हैं, स्पेसिफाई करके कि ये चेंजेस हैं। पुराने मॉडल से आपको पुराने वाले मॉडल में आपको सिंगल डाउन ट्यूब फ्रेम मिलता था, UC इंजन के साथ वो अवेलेबल होता था। इसमें 350 cc का आपको J1 सीरीज का इंजन मिल जाता है, जो कि आपके माइलेज को और इंजन के प्योरिफिकेशन को ज़्यादा सपोर्ट करता है। ये आपको डीजल का इसमें सिर्फ ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है हजार्ड लाइट का ऑप्शन, जो कि एक साथ में आप जो है कि वेदर वगैरह अगर खराब है तो उस समय में आपको एक ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगा और लोगों को। ये आई थिंक नया दिया है ना डिजिटल। हाँ, ये आपका डिजिटल मीटर इसमें आपको मिलता है, डिजिटल मीटर लाइट सिमिलर है, लेकिन बस इसमें आपको एक कैप एडिशनल में आपको मिल जाता है, जिससे इसका लुक काफ़ी नया हो जाता है। और कोई चेंजेस जैसे कंपनी ने ये चेंज नहीं किया, आई थिंक लोगों को वही रिटेन रखा गया लोगों है, ताकि क्योंकि पुराने जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू किया जा सके। और इसका जो है टाइप जो है ये हैंड पेंटेड होता है, ये रेगुलर जो शुरुआती मॉडल है कंटिन्यूटी में बना हुआ है, तो तभी से इसी तरह का आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी कंपनी ने अपना लोगो सारे लोगों ग्रेप किया हुआ है फुट पैक्स पे, जो कि पुराने मॉडल्स में आपको नहीं देखने को मिलता। ये भी चेंजेस कंपनी ने नहीं किया, जितना ये वेयर टेल आपको टेल लाइट थोड़ा सा चेंजेस आया है, कुछ चेंजेस आया है इसमें आपको टेल लाइट्स में, जो कि क्लासिक डिज़ाइन को और न्यू विजिबिलिटी के साथ थोड़ा सा आया, उसको इन्हेंस किया गया लुक को ज़्यादा अच्छा। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस कितनी है? इसका प्राइस जो आपको पड़ता है अकॉर्डिंग टू झारखंड रांची ETO के अभी रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस को इंक्लूड करके अगर हम बात करें तो 247,000 के करीब इसका प्राइस आपको अभी पड़ेगा। ये टॉप मॉडल है, ये टॉप मॉडल शोरूम प्राइस, एक शोरूम प्राइस रहेगा वो 215,801 रुपये का रहता है। ये टॉप मॉडल का, सेकेंड टॉप मॉडल की अगर बात करें तो 75,000 का इसका शोरूम प्राइस आएगा। साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करेंगे कि जो चेंजेस वगैरह हुए हैं सेकेंड टॉप मॉडल में भी, आई थिंक इसमें मुझे लग रहा है ये LED लाइट नहीं, LED ये आपका जो है इसका जो एक शोरूम आएगा वो 197,477 रुपये का आएगा। इसमें जो आपको लाइट मिल जाता है वो हेलोजन लाइट्स है, हेलोजन जी, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले डिज़ाइंस है वो आपको पुराने वाले बुलेट से रिजेंबल करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो चेसी फ्रेम है सबसे ज़्यादा उस पर आपको बताना चाहूँगा कि चेंजेस आया है, वो सिंगल ट्यूब चेंजेस आपको मिलता था, सिंगल डाउन ट्यूब मिलता था चेसी फ्रेम, ये फ्रेम हाँ, ये डुअल आपको सपोर्ट मिल जाता है चेसी पे, जो कि स्टेबिलिटी देता है आपकी गाड़ी को। साथ ही साथ इसमें आपको एक एडिशनल जो बेनिफिट मिल जा रहा है शम गार्ड, इसमें हम लोग अटैच कर सकते हैं, ये एक्सेसरीज का पार्ट है तो अटैच कर सकते हैं ताकि आपके इंजन को प्रोटेक्ट कर सके। आई थिंक इसमें विंडशील्ड भी लगने का ऑप्शन है सर? नहीं, वो पुरानी मॉडल्स में आती थी। अच्छा, फिलहाल में अगर आप चाहें तो आफ्टर मार्केट का वो सब ऑप्शन होता है। ये पहले से मतलब चेंजेस नहीं है आई थिंक? हाँ, ये तो पहले भी आती थी बट इसमें थोड़ा सा आपको राउंडनेस आपको दिया गया है थोड़ा सा लुक को एनहांस करने के लिए। बाकी टैंक साइज आपको टैंक वगैरह इसमें और क्या चेंजेस हैं? इसके अलावा बाकी तो सिमिलैरिटी है आपका, यही बेसिक चेंजेस हुए हैं। इंजन मेन मोटो इसका इंजन चेंज हुआ है, आपको E20 के साथ आपको मिलता है J1 सीरीज का इंजन। अब स्टार्ट करेंगे बुलेट का मेन तो उसका साउंड जी। साउंड बिल्कुल वही आपको मिलता है
पहले जो आते थे वो आपको फ्रंट में से टीवीएस का ऑप्शन मिलता था, अब इसमें आपको सेकंड टॉप मॉडल में भी डुअल चैनल टीवीएस का ऑप्शन मिलता है। हमारा जो लोकेशन हुआ शोरूम का वो है हरमू रोड गाड़ी खाना चौक रॉयल एनफील्ड शोरूम रांची। हेलो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।